सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में और देश में कर्मचारियों के लिए क्या परिवर्तन आएगा, ये हमारा वीडियो का टाइटल है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, मात्र 5-6 मिनट का ये वीडियो है, इसको आप पूरा देखें। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 के अंदर दो राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन योजना चालू थी और 2018 के बाद मात्र एक राज्य बचा है जिसके अंदर पुरानी पेंशन योजना चल रही है, वो है पश्चिम बंगाल। और वो राज्य जिसमें 2018 तक चल रही थी वो राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2018 से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू थी और 2018 के बाद जैसे ही वहां पर भाजपा की सरकार बनी उसके बाद वहां से पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, ठीक है, जिन्होंने गत हाल ही के अंदर बयान दिया था कि जो पंजाबी और जो जाट समुदाय के लोग हैं और जो कृषि विशेषकर कृषि समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मूर्ख हैं, उनमें कम बुद्धि होती है, जिसके लिए उन्होंने बार बार माफी मांगी और ट्विटर के माध्यम से और बहुत ही मतलब इस पर विवाद हुआ था, ठीक है। वो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के और उन्होंने अपने प्रस्ताव लेकर के वहां पर पुरानी पेंशन योजना जो है वो समाप्त कर दी है। लेकिन 2004 में जब ये केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई तो इन दो राज्यों में क्यों लागू नहीं हुई, मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने सर्वे करवाया, उसमें देखा कि ये कर्मचारी हित के अंदर कौन सी योजना इनमें से है, तो जो ओपीएस थी पुरानी पेंशन योजना थी वो मापदंडों पे खरी उतरती थी, तो इसलिए इन दोनों राज्यों ने मतलब कर्मचारी हित को देखते हुए जो काम करने वाला वर्ग है उसको उसके हित को देखते हुए ये पुरानी पेंशन योजना चालू रखी। लेकिन अब जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं कि परिवर्तन यही होगा, निश्चित रूप से वहां पर ये कर्मचारी पश्चिम बंगाल का जितने भी कर्मचारी, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इसको पश्चिम बंगाल के प्रत्येक कर्मचारी तक शेयर जरूर करें। परिवर्तन क्या होगा, आपको जो पुरानी पेंशन योजना जो आपके चल रही है वो आपकी बंद कर दी जाएगी और नई पेंशन योजना वहां पर बहाल कर दी जाएगी, जो एनपीएस जो चल रही है अंशदायी पेंशन योजना, ठीक है, वो अंशदायी पेंशन योजना के बारे में लगभग ये एक जन क्रांति बन चुकी है, इसके बारे में सब साथी जानते हैं, इसका कोई कर्मचारी को ज्यादा कुछ फायदा है नहीं है, ठीक है। अपने एनपीएस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, एक विस्तार से अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन अब क्या है, वो आपको परिवर्तन बंगाल का पता लग गया, लेकिन अब देश में क्या परिवर्तन होगा, सरकार जो हमारी सेना है जो हमारे विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है, जिसको हम भगवान मानते हैं, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ आई चाहे कहीं दक्षिण में आई, हमारी सेना भगवान बन के खड़ी हो गई, अब उसकी पेंशन बंद करने की सरकारी भारत सरकार ये तैयारी कर चुकी है, ठीक है। अब हमारे सेना की जो पेंशन है वो भी बंद हो सकती है, ठीक है, ये परिवर्तन होगा। और निजीकरण का और इसके तो आपको तोहफे बहुत सारे मिल ही रहे हैं, लेकिन और इस वीडियो के माध्यम से मेरी प्रत्येक कर्मचारी, देश के प्रत्येक कर्मचारी से ये निवेदन है कि आप लोग जब तक संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और राजस्थान के अंदर भी कई साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, एनपीएसएफआर है, ठीक है, हमारे संगठन के विशाल जी चौधरी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के ऐसे एकमात्र अधिकारी हैं जो मतलब पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग के कम से कम मतलब एकमात्र अधिकारी हैं। मैंने किसी अधिकारी का इतना खुल के बयान देखा नहीं है जितना वो खुल के कहते हैं कि प्रत्येक अधिकारी को इसके अंदर साथ आना चाहिए और अपने को मिलके लड़ाई लड़नी है। और राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संघर्ष की मानसिकता बढ़ाएं,
ठीक है, जब नेताओं को एक दिन में पेंशन मिल सकती है तो आपको 40-42 साल की सेवा करने के बाद पेंशन क्यों नहीं मिल सकती, इस बात पर विचार कीजिए। आप सरकार की मंशा पर मतलब वो मत कीजिए कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा कभी भी लाभ देने की नहीं होती है, ठीक है। ये तो अपना जो अधिकार है वो छीनना पड़ता है, तो इसलिए सभी जो भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रत्येक के पास शेयर करें और अपने संघर्ष की मानसिकता के साथ आगे बढ़े। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, 101% जीतेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप संघर्ष के लिए तैयारी करें। और हमारी बहनें, मैं विशेष रूप से हमारी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बहनें पीछे रहती हैं संघर्ष में, तो आपसे निवेदन है कि आप आगे आए। महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में किए हैं और ये परिवर्तन भी आप करने की क्षमता रखती हैं। मातृशक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आए, सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे और पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे भी नेता हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे भी नेता हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जो कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपए पेंशन के रूप में, सरकारी वेतन भत्तों के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन नहीं है, ये मतलब जो सुविधाएं हैं ना ये शासक वर्ग को मिलेंगी भैया। जो मतलब जो काम करने वाला जो 40-42 साल नौकरी कर रहा है उसको नहीं है, शासक वर्ग के लिए सुविधा है, ठीक है। हमारा शासक वर्ग केवल केवल सुविधा लेने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए सिर्फ राजनीति में आ रहा है, और सेवा करने का कितना मकसद है ये आप देख रहे हैं। क्योंकि जो प्रजा है ना वो तो चाहे भूखी मरती रहे, ठीक है, जो कर्मचारी काम करने वाला है उसको उसको कोई सुविधा नहीं देंगे, ठीक है। वो बुढ़ापे में चाहे मरे, गले सड़े, कुछ भी हो उसका, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अपने लिए, क्योंकि भाई हम नेता लोग जो कहते हैं कि भाई कानून तो हम बनाएंगे, हमारी पेंशन कौन रोकेगा, ठीक है। कम से कम आपसे निवेदन है, नेताओं से भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई विधायक एमएलए, उनसे भी निवेदन है कि आप भी हमारी पीड़ा को समझिए। हम देश के निर्माण में योगदान देते हैं, ठीक है। हम अपने जो कर्मचारी नौकरी करता है वो एक समय के लिए अपने परिवार को भूल जाता है, लेकिन अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता है, अपने कार्य क्षेत्र पर डटा रहता है। कोरोना काल में भी सेवाएं दी, ठीक है, कर्मचारी ने वेतन कटवाया, लेकिन नेताओं की वेतन भत्ते और सुविधाएं कोरोना काल में बढ़ गई जब आर्थिक संकट देश पर नहीं था। केवल कर्मचारी को दिखाने के लिए आर्थिक संकट है, और जब कर्मचारी को पैसा दिया जाता है, कोई डीए बढ़ता है तो उसमें खबर दी जाती है जो मतलब इतना कर्मचारी पर भार पड़ेगा, इतना सरकार पर भार पड़ेगा ये अगर मतलब ये दिया जाएगा। और जब नेताओं के वेतन भत्ते बढ़ते हैं तब बजट लोक कल्याणकारी बन जाता है, ठीक है, कि बड़ा अच्छा बजट है क्योंकि उनके लिए उनका पेट भर रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक साथी से भी निवेदन है कि इस वीडियो को सभी के पास भेजें और संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, अपने को ये लड़ाई हर हालत में जीतनी है। जय हिंद, जय संगठन, और सभी साथियों को देखने के लिए नमस्कार।